वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे कंप्यूटर प्रैक्टिस क्वेश्चन से और क्वेश्चन नंबर वन आज का है कि विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ठीक है आगे बढ़ेंगे सम लॉजिक वॉज डिस्कवर्ड बाय सेम्बोलिक आई एम सॉरी सेम्बोलिक लॉजिक वॉज डिस्कवर्ड बाय तो जो सिम्बॉलिक लॉजिक बच्चों उनको डिस्कवर किया था जॉर्ज बुले ने ठीक है जॉर्ज बुले ने वॉट वॉज द नीक नेम ऑफ द कंप्यूटर यूज बाय द अमेरिकन इन नाइनटीन फिफ्टी टू फॉर देयर एच बॉम प्रोडक्ट प्रोजेक्ट आई एम सॉरी वट वॉज द निक नेम ऑफ द कंप्यूटर यूज बाय द अमेरिकन इन नाइनटीन फिफ्टी टू फॉर देयर एच बॉम प्रोजेक्ट द नेम वॉज यूनिविक ऑप्शन सॉरी मैंने एक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स आप लोगों ने सभी को कंप्यूटर ऑपरेटर्स के बारे में पता होगा तो बच्चों अगर हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बात कर लें तो ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर ठीक है कुछ क्वेश्चंस ऐसे लॉजिक बेस्ड होंगे कि आप लोग इन्हें खुद देख करके भी मतलब एक क्लियर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका सही जो आंसर है वो क्या होना चाहिए ठीक है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन वर्ल्ड वॉस फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन वर्ल्ड वॉस इनेक ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही है और इस तरीके के ऑप्शन में प्लीज़ कोई ऑल ऑफ दीज मत कर देना क्योंकि एक साथ इतने सारे कंप्यूटर नहीं हो सकते हैं ठीक है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात की इनेक तो और इनेक का फुल फॉर्म जो है वो आप लोग तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा विच वॉज़ दी कंप्यूटर कन्सीव्ड बाय बेवेज तो बेविज के द्वारा एनालिटिकल इंजन ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही आंसर है ठीक है बेवेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन आपको के वी एस में इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हम लोगों ने दस क्वेश्चन पहले प्रीवीएस अपने रिवाइज किए हैं उनका वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा और ये हमारा सेकेंड है ठीक है आप लोगों के एग्जाम सात तारीख से स्टार्ट है सात तारीख में हम लोग लगभग इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपके कंप्यूटर में पाँच क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पाँच में से पाँच आप पूरे करेक्ट ऑर्डर में सही करके आएंगे ठीक है ऑफलाइन डिवाइस इज ऑफलाइन डिवाइस क्या है तो बच्चों ऑफलाइन डिवाइस जो है अ डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही है माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज़ टू मेक कंप्यूटर डिजिटल सिस्टम कैलकुलेटर ऑल ऑफ दी दर्ग ऑल ऑफ दी एवर्क आप लोगों का इसमें ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है मैं क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आपको आंसर्स आप बता रही हूँ ठीक है हम लोग दस क्वेश्चन मिनिमम चार से पाँच मिनट में कंप्लीट करते हैं विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू विच अमेरिकन कंपनी कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू आई इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आगे बढ़ेंगे द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड बाय मोटले एंड एक्यूरेट कॉल्ड इनेक डिड नॉट वर्क ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट हाउ मैनी नंबर कूड इट स्टोर इन इट्स इंटरनल मेमोरी हम लोगों ने अभी प्रीवियस ही एक क्वेश्चन पढ़ा था हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाला उसका नाम हमने इनेक पढ़ा था बिल्ट बाय मोन्टले एंड एक्यूरेट एकट तो वो किस पर वर्क नहीं करेगा तो स्टोर्ड प्रोग्राम पे जिसका कॉन्प्ट है वो वर्क नहीं करेगा कितने नंबर की इंटरनल मेमोरी के लिए तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्वेंटी ऑप्शन नंबर बी ठीक है थैंक यू आज की क्लास यहीं तक थी उम्मीद करेंगे कि आपने दस में से दस क्वेश्चन सही किए होंगे और जिन बच्चों ने नहीं किए हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है आप प्रैक्टिस करेंगे कंप्यूटर में तो आपके फुल मार्क्स पक्के थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे